सर भाई भाई पहले फोटो फोटो पहले बड़ा पीछे आना मैं हटू हां पहले लो पहले नोच लो पहले सुन लो भाई लेफ्ट साइड देख तो बहुत इसमें आ रहा है भाई यार लेफ्ट साइड में देख भाई यहां पर लेफ्ट साइड में अच्छी वाली फोटो छाप ठीक है भाई सेंटर में देखो भाई यहां पर सेंटर कैंडिड अरे कैसा है भाई विशाल भाई यहाँ पर भाई भाई यहाँ पर सेंटर भाई लेफ्ट साइड भाई अभी यहाँ पर भाई यहाँ पर सेंटर भाई भाई यहाँ पर ये बहुत चालाक आदमी हर बार आता है पहले से ऑनलाइन पता नहीं भाई कहीं से बताता हूँ मैं वो इंस्टाग्राम पे आते ना सजेशंस अरे ऐसा तो मतलब कोई थीम पार्टी तो है नहीं कि सेलिब्रेशन पता नहीं लेकिन दीदी का बर्थडे है मैं और शार्दुल एक अलग बॉन्ड शेयर करते हैं हम एक दूसरे को बहन कंसीडर करते हैं वो मुझे दीदी बोलता है वो बताऊंगा बाद में हम चुगली बहुत करते हैं साथ तो इसकी वजह से हम मैं शार्दुल और त्रिपाल अरे दीदी तो बहुत ही दिया क्या एक नया लुक लिया है शार्दुल नया दीदी मुझे तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा लग रहा है यूएसए के वो हिप हॉपर नहीं होते हैं स्ट्रीट या वो एकदम फुल हम बिहारी में रैप बनाएंगे बहुत बड़ी बातचीत करो तो मैंने एकदम से बोला विशाल विशाल पलटा विशाल ने मुझे लुक दिया मैंने विशाल को लुक दिया और हमें पता चला कि हम पिछले जन्म में दोनों बहने थी और हम दोनों सबकी बुराइयां करते थे और इसने मुझे दीदी बोला मैंने इसे दीदी बोला तब से हम दोनों एक दूसरे की वो सियामीज ट्विन्स होती है वैसे हाँ, हम लोग नहीं लेकिन एक और भी है बड़ी दीदी वो आ जाएंगी त्रिपाठी जी नहीं आई हैं नहीं ओ, वो बाहर हैं बाहर हैं बहुत बड़ा खुलासा किया अरे सबको पता है तो ये बड़ा ही तो होगा ना विशाल नाम है इसका तो खुलासा तो बड़े इसका सब बड़ा इसके लिए सारा खुलासा बड़ा ही होता है भाई इसका सब बड़ा ही है ये विशाल है चलो मैं तो नहीं जाऊंगा फॉलो नहीं कर रहा हूँ उतना जो भी थोड़े बहुत न्यूज़ मिलते रहते हैं उसी से एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा ज़रूर क्योंकि मैं मतलब उसने सरप्राइज़ किया है उमर हम सब इंडस्ट्री के हैं हम लोग को पता होता है कि कैसा प्रेशर होता है कैसे रिएक्ट करना है कैसे काम करना है एक आउटर वर्ल्ड का आया वो बंदा और छाप छोड़ के जाएगा उमर तो जीत या हार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन छाप छोड़ के जाएगा वेरी स्ट्रांग और तू याद रखा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है अरे बिग बॉस में किसी का टिप ना चलता ना आसिम ना किसी का देखो टिप तो सभी लेके जाते हैं यार तुम कितने दिन तक फेक हो सकते हो बताओ 10 दिन 5 दिन 7 दिन 3 महीने 60 दिन कितने दिन फेक हो लो नहीं होगा ओके सर रश्मि और देबो ने आपके बहुत अच्छे दोस्त अंदर रहे तो उसके बारे में क्या कहना है ये रश्मि और देबो का सरकारी जॉब लग गया मुझे लग रहा है मिठू सॉरी यार देबो सॉरी यार लेकिन सच में और राखी पुतिन बन के बैठ गई है वहां पे राखी का तो मुझे राखी के हस्बैंड क्या राखी के पोते पर पोते सब आएंगे बिग बॉस में जब तक बिग बॉस चलता रहेगा आई थिंक हर साल घर से खुलासा होगा भेजा जाएगा लेकिन राखी एक्चुअली बहुत मजेदार है जैसा उन्होंने लास्ट सीजन किया ना तो मतलब उसके बाद उन्होंने मतलब तबाही मचा दी तो राखी यू लव यू लेकिन राखी बोलती थी मेरे हस्बैंड बोलते मेरा तुम्हें बताते हैं हाँ आगे हो गया प्रियंका चोपड़ा आ गई जाला जाला मेरी मेरी बर्थडे पार्टी इतनी इंटरनेशनल है कि लोखंडवाला से प्रियंका चोपड़ा आई है आ जा ये आई
अरे कुछ पूछना है कि पूछो बताओ यार बताना नहीं मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा एक्टिंग का है आएगा थोड़ा टाइम लग रहा है शूटिंग में टाइम कोई दे ही नहीं रहा ना अच्छा यार देखिए सिंपल सी बात है जो गाने मुझे मिले करने के लिए वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे सो मैंने इसलिए नहीं किए और कुछ अच्छा आया नहीं उसके अलावा चलो Not married. कैसे हैं आप लोग? ओके नैना आप आज बहुत ही काफी हॉट लगी गई हैं। आज 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 मतलब हर बार बोलो हर बार आप इतनी और अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। तो क्या कहना चाहिए पहले अपनी ड्रेस के बारे में आप ये पर्दे का कपड़ा था वो नीचे घर मैंने नया घर लिया है तो पुराना पुराने घर के पर्दे का कपड़ा मैंने इसको बेच दिया था। मैंने तेरे को दिया था घर पे लगाने के लिए तूने यहाँ लगा दिया तो चलो ठीक है इतने कंजूसी से दिया था कि यहीं पे फिट हुआ तो या नैना इज वेरी वेरी किफायती लाइक दैट नैना ने जितने जितने बॉयफ्रेंड्स रखे होंगे उतनी मेरी उम्र ब्रो वो तो बहुत ज्यादा अभी भी अच्छा मुझे लगा निकलने वाला है ये इतने बना आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते कि इकलौती एक मैं ही बची हूँ जिसके बॉयफ्रेंड कभी सुनने को नहीं आते है भी नहीं। बहुत अच्छा मीडिया को मैनेज करती है ना आप लोगों को सुनने में कोई कोई सुन सुन आप लोग खुलासा करो क्या मैं किस किस एक तो ये था एक मैं हूँ एक ये था एक मैं हूँ बाकियों का पता नहीं एक ये था एक मैं हूँ मैं डायरेक्ट शादी करूँगी ऐसा मुझे लगता है पर मुझे ऐसा लगता है ये सब तुम्हें वो सब करने से पहले बताना चाहिए तो बेसिकली साहिल का जो बेटा हुआ है वो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बड़ा हो जाएगा मैं उससे शादी करूंगी छोटे से शादी की है तो मैं 20 साल छोटे से कर लूंगी क्या बड़ी बात है वो फोटो पे देख चुकी है क्या पहन रहा है क्या बता चुका है कि मैं ये पहन रहा हूँ मेरे पास और कपड़े नहीं है किधर है आज बाल ब्लू कर गया बाल भी ब्लू अच्छा अच्छा ऊपर आ जाओ ऊपर है बेबी यहाँ पे सारा मीडिया आ जाओ तूने मेरे बाल खराब किए सर बहुत है लाइंड अप एक हंगामा प्ले पे वेब सीरीज है एक MX प्ले पे है और एक मूवी करके आया हूँ जिसका पता नहीं अब अगले साल नहीं मैं ये कह रहा हूँ कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाली है सो लेट्स होप 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं आपका कुछ बताइए मैं बहुत कुछ है मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है अभी मैं दूसरे शेड्यूल के लिए फिर से जा रही हूँ वेब सीरीज है और मूवी भी एक वेब सीरीज भी है
और दूसरी वेब सीरीज भी है, तो जब सब कुछ आ जाएगा लाइन ये नैना के पास बहुत काम है भाई। नैना नैना भी 2022 में धमाका बना के चाह देगी, बस तो फिर मत करो। मैं अपार्ट फ्रॉम दैट बिग बॉस किस तरह से, ये क्या है वो उसके असली के पति है क्या? वो सब छोड़ो, बट दैट्स अ राखी शो, दे शुड चेंज द नेम टू राखी शो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ राखी दैट बिग बॉस में तो नहीं भेजे। आई थिंक बिग बॉस मोर देन बिग बॉस पीपल नो इट एज राखी शो नाउ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। नहीं मतलब बीच में मैंने देखना बंद कर दिया था, पर जैसे बदल राखी के हस्बैंड आए हैं तो फिर एक इंटरेस्ट जाग गया है। नहीं मेरा लाइक मैं भी देखना चाहता था कि किन्होंने राखी से शादी किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राखी से शादी की है। भाई मुझे नहीं पता, हम दोनों भी थे, हमें भी कोई नहीं जानता। देखो देखो सॉरी ये भी तो था, इसको भी सॉरी नहीं जानता। देखो ऐसा है कि क्या कहना है, मतलब क्या कहना, मतलब कुछ सवाल पूछो तो बोलेंगे ना, जैसे आप कुछ सवाल पूछो तो नैना जवाब देंगी। नैना नैना इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, तो नैना से छोटे छोटे सवालों पे जवाब देती है। आप सवाल पूछिए, जैसे चाइना में क्या हो रहा है उस पे नैना बात करती है। अभी कोरोना वायरस जो नया आया है वो उसके बारे में पूछिए। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हो रही है, चल रहा है यहां पे। नहीं नहीं स्टैंड अप कॉमेडी बना रहा है। कैसे लगा चाइना में क्या हुआ? चाइना में ये हुआ कि क्या हुआ, मेरे बाल नहीं सूखे थे, मैं चाइना गए थे तो बाल नहीं सूखे। ये तुम बकवास करने को कह रहे हो, मुझे बोला कर ली बकवास। थैंक यू, थैंक यू, बाय, सी यू।